दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी लोग या स्त्रियां लो बैक पेन से परेशान हैं, यानी कमर दर्द से परेशान हैं, या निचली कमर में दर्द होने से परेशान हैं, या आजू बाजू कमर के दर्द होने से परेशान है, जो कि हमारे भारत में और पूरे विश्व में बहुत ज्यादा ये परेशानी लोगों में है, और बहुत इसका इलाज करवा लेने पर भी उनको कोई विशेष फायदा नहीं मिलता, उनके लिए सरल से सरल सफल घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कुछ दिन ही प्रयोग करने पर लो बैक पेन और बैक पेन पूरी तरह खत्म हो जाता है। बस अत्य मुझ पर विश्वास करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, फार्मूला क्या है? अश्वगंधा चूर्ण आप डाबर वैद्यनाथ का ले सकते हैं, ठीक है, या अश्वगंधा आपको यदि उसकी मूल लेनी है तो उसका चूर्ण बना लीजिए जैसा, पर फिर भी सहूलियत के हिसाब से डाबर वैद्यनाथ का आप अश्वगंधा चूर्ण ले लीजिए। विधारा चूर्ण, ये पंसारी के यहां विधारा मिल जाएगा, उसका चूर्ण बना लीजिएगा बारीक, या आप सीधे अश्वगंधा आदि चूर्ण 200 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, उसमें अश्वगंधा विधारा दोनों चीजें मिली होती है। तो अलग अलग लेना है तो अलग अलग का बता दे रहा हूं, नहीं तो अश्वगंधा आदि चूर्ण में अश्वगंधा और विधारा दोनों चीजें मिली हुई होती हैं, 200 ग्राम मात्रा में ले लीजिएगा तो 100 ग्राम दोनों हो जाएंगी। तो अलग अलग अब बताता हूं, अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, विधारा चूर्ण 100 ग्राम, सौंठ का चूर्ण, सौंठ का पाउडर 100 ग्राम और मिश्री 300 ग्राम। जिनको डायबिटीज हो वो उसमें मिश्री ना मिलाएं, जिनको डायबिटीज नहीं है वो उसमें मिश्री जरूर मिलाएं। तो अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, विधारा चूर्ण 100 ग्राम, सौंठ चूर्ण 100 ग्राम और 300 ग्राम आपको लेनी है मिश्री। इन सबको अच्छे से मिक्सी में मिक्स कर लीजिए और चम्मच से अच्छी तरह से मिला लीजिए और एक टाइट बर्नी में या एक टाइट बर्तन में कैप लगाकर रख दीजिए। अब एक एक चम्मच जो चूर्ण है वह सुबह शाम खाने के एक घंटे बाद दो रबे केसर उसमें मिलाकर गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लें। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही दिनों में कमर का दर्द छू मंतर हो जाएगा, कमर का दर्द से पूरी तरह आपको निजात मिल जाएगा। अकेला कमर का दर्द नहीं, अन्य वात विकार भी जिनमें आपको शरीर में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, शक्ति की कमी रहती है, ताकत की कमी रहती है, थकान ज्यादा महसूस होती है, उनमें भी ये अमृतदायी योग है। तो दोस्तों, जरूर इसका प्रयोग करें, विश्वास करता हूं आप जरूर इसका प्रयोग करेंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा, ये मैं दावा करता हूं। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके, क्योंकि अपने तक ही किसी अच्छी चीज को रखना अच्छी बात नहीं है, परोपकार यदि आप करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। मैं भी वही कर रहा हूं, मेरा अच्छा हो रहा है, आपका भी अच्छा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करेंगे किन टॉपिक से वीडियो बनाऊं, कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक की भरमार रखिए इस वीडियो में यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके और आप मेरा कोई भी अचूक नुस्खे वाला वीडियो मिस ना कर दें, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में अचूक नुस्खा बताता हूं। दोस्तों, यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो यहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन में, और यहां पर मैंने अपना अकाउंट डिटेल दी हुई है, यहां पर IFSC नंबर दिया हुआ है, ब्रांच कोड दिया हुआ है, अकाउंट होल्डर नंबर दिया हुआ है। तो आप अपना नाम, नंबर, पता, पिन कोड, समस्या, रिपोर्ट की फोटो और लक्षण मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल करें तब कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी, एक माह की दवा की कीमत क्या होगी, वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर आप मुझसे दवा बुलवा सकते हैं या फिर आप मुझसे दवा प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं अपने बजट के अंदर, आपकी जितनी क्षमता की, सर मैं इतना खर्च कर सकता हूं, तो सीधे इस अकाउंट नंबर पर 500 रुपए आप जमा करिएगा और लिखिएगा सर मैं इतना खर्च कर सकता हूं, मेरी ये समस्या, ये रिपोर्ट है, मुझे इतने दिनों से समस्या है, आप मुझे इतने रुपए के अंदर पर्चा लिख के भेज दीजिए, तो मैं आपको पर्चा लिख के भेज दूंगा, आपके 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करने के बाद मैं आपको पर्चा लिख के भेज दूंगा और वो दवाइयां आप अपने इलाके की आयुर्वेदिक दवा की दुकान से ले सकते हैं और उनका प्रयोग विधि में लिख दूंगा कि कैसे आपको प्रयोग करना है, तो वैसे आपको प्रयोग करना है। और हर महीने दवा खत्म होने के 2 दिन पहले आपको मुझे अपना आराम बताना है, रिलीफ परसेंटेज बताना है कि सर मुझे इतना आराम है, तो मैं फिर पर्चा बदलूंगा हर महीने, पर मंथ
आपको प्रिस्क्रिप्शन फीस 500 रुपए लगेगी, परंतु दोस्तों भूल कर भी ये गलती मत करिएगा कि वही पर्चा आप 10-12 महीने चलाते रहें। इससे कई बार लाभ की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको आराम कितना है, आपके लक्षणों में क्या कमी आई है, किस चीज में कितनी बढ़ोतरी हुई, उसके आधार पर मैं पर्चा बदलता हूं और वही बदला हुआ पर्चा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप हर महीने मुझसे पर्चा लिखवाइएगा, 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस रहेगी, तो क्या हो गया, फिर भी आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है और बजट में है। तो दोस्तों आप इन दोनों विकल्पों की सहायता से मुझसे दवा बुलवा सकते हैं। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि शत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।